हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने पिछले माइनक्राफ्ट के एपिसोड में बहुत मजे लिए हैं। तो गाइस, आज हम इस एपिसोड में अंडरग्राउंड माइनिंग करने वाले हैं, तो हम माइनिंग के लिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अंडरग्राउंड को माइनिंग में बहुत सारा काम करना है। यार ये लुक बेकार हो रही है, अब देखते हैं। अब लुक जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक हो गई है, और अब हमें बहुत सारा काम करना है, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हमने सारे ब्लॉक्स फोड़ लिए हैं, और इन्हें फोड़ने के बाद अब हम इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, और जो है दो चार ब्लॉक्स और हैं इन्हें भी तोड़ लेते हैं। तो भाई, आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, मतलब कि हम इस वाली में जो है वीडियो में माइनिंग करेंगे, और नीचे केव बनाएंगे। ये बेसमेंट देख रहे हैं जो हमने बनाया, इसके नीचे हम एक और बेसमेंट बनाने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो ये फ्लोर है क्लियर कर लिया है, तो आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें शायद से थोड़ी सी क्या लगानी चाहिए, टॉर्चेस लगानी चाहिए या फिर नहीं। तो भाई, पहले हम ये लुक इसकी ठीक कर लेते हैं अगर कोबर स्टोन लगा कर, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी लुक ठीक हो गई है, और हम जो है यहाँ पर से नीचे वाले बेसमेंट की स्टेयर लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक फोड़ रहे हैं, हमने चार ब्लॉक डिग कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने चार ब्लॉक डिग कर लिए हैं। गाइस, हमने चार ब्लॉक डिग कर लिए, और आप देख सकते हैं हम नीचे चलते हैं। तो गाइस, कुछ ना कुछ तो कमी है, और यहाँ पर अंधेरा भी ज़्यादा है, तो शायद से हमें टॉर्च लगानी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हिंसा हुआ, सॉरी गाइस, ये हैंग हो गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें टॉर्च लगानी है, बिल्कुल यहाँ पर उजाला करना है, बिल्कुल लाइट लाइट लाइट, जो यहाँ पर काम करते हुए भी जी लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रोशनी कर ली है। तो गाइस, अभी हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर से चल के देखते हैं, अभी रिव्यू कराएंगे हम आपको दोबारा ऊपर से आकर के कैसा लगता है नीचे आकर जब ऊपर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आए, और तो भैंस यहाँ गाइस, ये तो रात हो रही है यहाँ पर, कोई गल नहीं, हम अभी नीचे चलते हैं। तो टेंशन मतलब गाइस, जैसे हमारे बेसमेंट की जो एंट्रेंस है, हम इसे भी कुछ दिनों में बड़ी करने वाले हैं, मतलब एक्सपेंड करेंगे धीरे धीरे, सब काम एक्सपेंड करेंगे, सब करेंगे। तो गाइस, अब हम नीचे माइनिंग के लिए चलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। तो आज हमें बहुत ही ज़्यादा लंबी माइनिंग करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो है ये बेसमेंट का रास्ता होगा, और हमें माइनिंग करनी है। तो गाइस, फिलहाल अपना ऊपर सामान लेने चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपना ऊपर सामान लेने आए थे, और हमने जो है पूरी रात काम किया है। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, दिन हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने काम जो है क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम नीचे चलते हैं, और नीचे चल के मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। तो फिलहाल जो मैंने काम किया है, वो जो मैंने ब्लॉक्स डिग किए हैं, तीन चार ब्लॉक डिगिंग किए, और नीचे भी माइनिंग किए। तो गाइस, हमें, और हाँ एक और बात तो बताना भूल गया, देख जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बहुत ढेर सारा कोल मिला है, और ढेर सारा आयरन मिला है, तो हम इसे आयरन को कलेक्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो है मतलब कोल सारा कोल इकट्ठा कर लिया है, और हम अब ब्लॉक्स डिग करने वाले हैं। तो डिग कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अब ब्लॉक डिग कर रहे हैं, और भी बहुत सारा वो है यहाँ पर लाइट, और यार ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो हम अभी अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं। तो गाइस, हाँ, तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉक डिगिंग डिग किए हैं, और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक फाइनली एक केव में एंटर हो चुके हैं। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, हम एक केव में एंटर हुए, वो भी एक अनजानी केव में, और मैं चाहता था कि हमारा जो बेसमेंट है कोई केव में कनेक्ट हो जाए, तो फाइनली कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस, मैं अभी अपने केव का रिव्यू करता हूँ थोड़ा सा, और हाँ गाइस, मैं रुको टॉर्च लगाता हूँ पहले, कोई ठीक सी जगह देखकर मैं टॉर्च लगाता हूँ। तो हाँ, शायद मैं यहाँ टॉर्च लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली केव, तो गाइस यहाँ पर आयरन भी है। तो गाइस, ये पीछे से तो केव बंद है, हम अभी दूसरी तरफ देखते हैं, जो दूसरी तरफ का रास्ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर से तो हम एंटर हुए थे, और हम आगे चल के देखते हैं कि केव जो है कहाँ पर है। तो शायद गाइस, वो फाइनली गाइस, ये वाली केव बंद है, और मेरे पास टॉर्च ख़त्म होती है। तो गाइस, मेरे पास टॉर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैं टॉर्च ऊपर से लाया हूँ, एक ही टॉर्च मिली तो मैंने ये भी लगा दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयरन है, और मैं यहाँ से आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ।
तो गाइस हमने आयरन वगैरह सब कुछ कलेक्ट किया और अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस अब हम ऊपर जाके आपको एक बार फाइनल रिव्यू कराते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस सच में मुझे तो एक काम करने में बहुत मज़ा है, आपको बताओ आपको वीडियो में कैसा लगा। तो गाइस अब हम अभी ऊपर चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।